ललित नारायण स्मारक महाविद्यालय बीरपुर में छात्र छात्राओं के लिए लगा फिल्टर वाटर, छात्र छात्राओं में खुशी। आपको बता दें, ललित नारायण मिश्र स्मारक महाविद्यालय बीरपुर में गुरुवार को छात्र छात्राओं सहित विभिन्न छात्र संगठनों के मांग पर कॉलेज परिसर में वाटर फिल्टर लगाया गया, जहां कॉलेज के प्राचार्य डीएन शाह ने कहा कि बीते दशकों से इस कॉलेज में छात्र छात्राओं को पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं मिलता था। विगत 7-8 महीने पूर्व मैं इस कॉलेज का प्राचार्य बना हूं और लगातार छात्र छात्राओं का एवं विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को लेकर मुझसे कहा जाता था। छात्र हित को देखते हुए जो काम दशकों में नहीं हुआ उसे हमने कुछ महीनों में कर दिखाया। वाटर फिल्टर लगने से छात्र छात्राओं को इस भीषण गर्मी से निजात मिलेगी। और क्या कुछ कहा प्राचार्य डीएन शाह ने, देखिए इस रिपोर्ट में। असल में है क्या कि मेरे आए हुए बहुत कम ही दिन हुआ है, लेकिन जब हम आए यहाँ तो यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया से छात्रों के हित में नहीं दिख रहा था। और छात्रों का, विभिन्न संगठनों का, खास करके विद्यार्थी परिषद का, उसमें बहुत ये जोर से मांग हो रही थी। और हाल में हमारे सेमिनार के समय में माननीय कुलपति महोदय भी आए थे, उन्होंने बड़ा ही एक जोर दे करके कहे थे कि साफ सफाई और पानी, साफ पानी की समुचित व्यवस्था का आप अविलंब व्यवस्था करवाइए। क्योंकि आदमी का अभाव था इसलिए उसमें हो सकता है कि 10 दिन, 1 महीना का समय भी लगा, लेकिन जो विद्यार्थियों का चीर लंबित मांग थी उसको कल पूरा आज करवाए हैं। और बच्चों को अब पानी के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, साफ सुथरा पानी पीने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत दिनों से छात्र, विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा मांग की जा रही थी कि यहाँ शुरू से, जब से स्थापना हुई कॉलेज में, एक नल के सिवा और कुछ पानी का पीने का व्यवस्था नहीं था, जिससे इस भारी गर्मी में छात्राओं को बहुत पानी की पीने की समस्या हो रही थी। जिसको देखते हुए जो है विभिन्न छात्र संगठन के मांग पर, उनके आग्रह पर जो है प्रधानाचार्य ने जो है अपना आदेश दिया, उसके तहत जो है ये वाटर फिल्टर लगा, जिससे छात्र छात्राओं को पानी पीने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी छात्र छात्राओं के लिए। आगे महाविद्यालय स्तर से जो वर्ग संचालन हो रही है, छात्र की अभी संख्या वर्ग संचालन में बढ़ी है, उसको देखते हुए प्रधानाचार्य सक्रिय हुए हैं और हर एक रूम में जो है पंखा की व्यवस्था होगी, जिससे छात्र छात्राओं को कोई भी वर्ग संचालन में दिक्कत नहीं होगी और घर भारी गर्मी में भी क्लास कर सकते हैं। और उसके बाद छात्र कॉमन रूम की मांग की जा रही है, वो भी मेरा कुछ दिन में चालू होने वाला है और छात्र को कॉमन रूम भी यहाँ पर प्राप्त होगा। और जहाँ तक मकान की है तो उसके लिए अग्रेतर कार्रवाई बिहार सरकार स्तर से पत्राचार किया गया है, तो वो भी आने वाला दिन में आपको वो भी मिलेगा। अच्छा भवन यहाँ निर्माण होगा और उसमें छात्र छात्राओं की सारी सुविधा जो और कॉलेज में होती है यहाँ भी दी जाएगी और उससे छात्र छात्र लाभ लेगा। मेरा छात्र के साथ उनके अभिभावक से एक आग्रह हुआ कि पीने की व्यवस्था पानी का हो गया, पंखा का होने जा रहा है, कॉमन रूम होने जा रहा है, सभी वर्ग में शिक्षक आ गए हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, तो अपने अपने छात्र को, बच्चे को यहाँ भेजे और वर्ग संचालन करवाएं और उससे अपना लाभ लें। जिसे क्योंकि अभी जो है छात्र जो है कॉलेज की संपत्ति होती है और वो यहाँ आते हैं तो महाविद्यालय को भी अच्छा लगता है कि छात्र आ रहे हैं और घर की संचालन होता है। कॉलेज में सर वो जिम बन रहा है सर, कब तक तैयार बनकर तैयार हो जाएगा? हाँ, ये सांसद दिलेश्वर कामेद के सौजन से यहाँ स्थापना हो चुकी है, इंस्टॉल हो चुका है। आने वाला 1 सप्ताह के अंदर उसका भी उद्घाटन होना है, उद्घाटन होने के बाद वो भी चालू हो जाएगा छात्र छात्राओं के। आज से पहले हम लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता था और हम लोग एक स्टूडेंट है और हम लोगों के लिए मतलब कि पैसा घर से मांगना पड़ता था, जिसके लिए हम लोग घर पे हमेशा डांट सुनते थे कि तुम लोग क्लास जाते हो मगर जब पैसा पैसा का क्या जरूरत क्या है तुम्हें। शुरू से ही यथक प्रयास रहा है ये कॉलेज में जो है वाटर फिल्टर लगाया जाए, आज हम सबका मांग पूरा हुआ, इसके लिए कॉलेज प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद।